आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूं पहले। द रेजिस्टेंस आर जी ऑफ द कॉइल ऑफ ए पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 9.36 ओम्स। ओके, एंड ए करंट ऑफ 0.0244 एम्पियर कॉजेस इट टू डिफ्लेक्ट टू ए फुल स्केल। ओके, द ओनली शंट अवेलेबल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.025 ओम्स। What R must be connected in series with the coil of the galvanometer to make it an ammeter reading 20 ampere full scale? Okay, तो ये हमको इसकी सर्किट डायग्राम दी गई है। तो ये मेरी जो है गैल्वेनोमीटर है। ओके, और इसके साथ सीरीज में ये रेजिस्टेंस R है और ये मेरा शंट है। ओके, तो ये एक होल सर्किट डायग्राम जो है एक रिप्रेजेंट करता है एमीटर को। ओके, तो आइए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में वो क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो किस में आती है 0.0244 एम्पियर। इसमें गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल देता है। ओके, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए हमें एक एमीटर बनाना है जो कि यह है। ओके, ताकि अब जो इस एमीटर की फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो वो हो 20 एम्पियर। ओके, तो हमको जो पता है कि ये गैल्वेनोमीटर में अगर 0.0244 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तभी ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए कि इसको एक ऐसा एमीटर बनाना है कि ताकि अगर हम यहाँ पे आई ये जो मेरा मेन करंट है क्योंकि ये मेरा पूरा एमीटर का सेटअप है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे 20 एम्पियर पास करें तो ये जो है गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। तो अगर सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन को समझा जाए तो हमको कुछ ऐसा यह सर्किट बनाना है ताकि अगर यहाँ पे अगर हम 20 एम्पियर करंट पास करें तो उसके करस्पॉन्डिंग इस ब्रांच में जो ये गैल्वेनोमीटर है ये 0.0244 एम्पियर करंट पास हो ताकि 20 एम्पियर अगर हम टोटल करंट दें तो इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाए। ओके, अब आपको क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करने चले। ओके, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इस सर्किट को अगर हम सॉल्व करें, ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए ये पॉइंट्स तो हैं, इन दोनों पॉइंट्स, जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, तो अगर वोल्टेज डिफरेंस हम लिखें VPQ तो इन दोनों ब्रांच में सेम ही होगी क्योंकि दोनों पॉइंट्स सेम है। ओके, तो अगर हम इसमें लिखें, जैसे अगर हमारा सेटअप क्या है, अगर जैसे हम यहाँ 20 एम्पीयर करंट पास कराते हैं तो यहाँ पे हमारी 0.0244 एम्पियर करंट पास करनी चाहिए, तो जो बाकी करंट है वो यहाँ से पास करेगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जैसे मैं यहाँ उसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20-0.0244 एम्पियर्स। ओके, ये मेरी करंट जो है वो इस शंट से पास करेगी। ओके, और शंट की वैल्यू जो है हमको दी गई है। ओके, जैसे यहाँ दिया गया शंट अवेलेबल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.025 ओम्स। ओके, तो इस शंट की वैल्यू जो है वो हमको दी गई है 0.025 ओम्स। ओके, तो अगर हम वोल्टेज इन दोनों ब्रांच के अक्रॉस बराबर करें क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम है। ओके, तो पहला चीज तो होगा VPQ। ओके, इक्वल्स टू आ जाएगी I इंटू S, ये पहला इक्वेशन। ओके, यहाँ इस ब्रांच से। ओके, दूसरा क्या आ जाएगा, VPQ इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे करंट इस होल ब्रांच में हमको कितना पास कराना था 0.024 एम्पियर, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना आ जाएगा, दैट इज 0.0244 R माइनस प्लस 0.0244 इंटू RG। ओके, ये आ गई मेरी दूसरी क्वेश्चन। अब देखिए जैसे VPQ दोनों इक्वेशन में सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सिंपली क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ओके, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो ये आ जाएगी I इंटू S इक्वल्स टू 0.0244 R प्लस 0.0244 RG। हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, इसी R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इस पे हम तो पहला I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने यहाँ से निकाला है। ओके, तो ये आ जाएगी 20-0.244 इंटू S की वैल्यू हमें पता है जो कि 0.025 है। ओके, इक्वल्स टू 0.0244 R प्लस 0.0244 RG। ओके, ये हो गई हमारी
ये उसके आगे आगे चलें तो ये हम आर जी के टर्म्स को इस तरफ ले आएंगे तो ये आ जाएगी 20 माइनस 0.244 इंटू 0.025 माइनस 0.244 आर जी इक्वल्स टू 0.244 आर। ओके, तो आगे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज 20 माइनस 0.244 इंटू 0.025 माइनस 0.244 आर जी की वैल्यू। अभी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आर जी की वैल्यू जितनी दी गई है हमको कितनी दी गई थी क्वेश्चन में, अगर ऊपर पढ़ें तो दी गई है कि रेजिस्टेंस आर जी ऑफ द कॉइल इज 9.36 ओम्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, ओके 0.244 इंटू 9.36, ओके, और ये आर यहाँ पे इसको फिर यहाँ से नीचे हम डिवाइड कर देंगे 0.244 से। ओके, यहाँ पे इस तरफ आर के साथ एक कोफिशियंट था 0.244, तो अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 883.47 ओम्स। यही है हमारी आर की वैल्यू जो जिसको हमको इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगाना है, ताकि कुछ ऐसा सीन बने कि जैसे अगर हम यहाँ 20 एम्पियर करंट पास कराएं तो यहाँ पे जो है 0.0244 एम्पियर करंट जो है वो इस गैल्वेनोमीटर के ब्रांच से पास हो, ताकि गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।